अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक ग्लो के प्रोडक्ट्स, उनकी सारी रेंज मैंने ट्राई की है एंड 2 वीक्स तक मैंने यूज़ किया है। पर्सनली मुझे क्या रिजल्ट्स आए हैं ये मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। एंड इनका बॉक्स का जो रिसेंट प्रोडक्ट उनका ऑर्गेनिक ग्लो का हेयर फॉल का सीरम है, इनका सीरम है विच इज़ 100% ऑर्गेनिक। एंड ये दोनों मेंस एंड वुमेन यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें है आंवला, सीखा काई, स्ट्रीटा, जिंजर, ऑनियन ऑयल और अदर भी और भी इंग्रीडियंट्स हैं। बट ये मेन यूज़ करने का तरीका ये है कि या तो आप 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लें या तो आप 2 टेबलस्पून या तो आप 2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल ले लें। और उन दोनों ऑयल्स को लेने के बाद आप ये सीरम ऐड करके अपने बालों में लगाएंगे एंड 3 से 10 आवर्स रखेंगे और फिर शैम्पू से वॉश करेंगे। बेहतरीन सीरम है, मैं इसकी हाफ बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, वीक में 3-3 बार लगाया है। माई हेयर शाइन्स लाइक एनीथिंग। और आजकल हमें कितना हेयर फॉल हो रहा है, कितना मतलब परेशान है हर कोई, तो ये बहुत अच्छा है। ये ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है ये आई लैशेज ग्लो सी। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोडक्ट उसके लिए मुझे हेयर लगाना पड़ा ताकि हम आपके सामने मैं थोड़ी स्किन केयर कर लूँ ना, ताकि रिव्यू करते करते थोड़ी स्किन केयर मैं भी कर लूँ ना। तो अच्छा, ये है हमारे पास आई लैशेज ग्रो सीरम। आप बॉटल दे सकते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड इसे आप कैसे लगाना है ये है ना, आप इसे अप्लाई करना अपने लैश पर। बहुत अच्छा है ये आपकी लैश को बहुत थिक करता है। जिनकी लैशेस कम है या जिनको लैशेस ज़्यादा पसंद है वो ये लगा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस, ग्रीसी भी नहीं है और ये मैंने लगा लिया है, बहुत अच्छा है। मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी लैशेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही हैं इससे। सो आप लोग जिनकी लैशेस कम है या जो उनको लैशेस दिख जाएंगे वो ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, लाइक मैंने बहुत यूज़ किया है एंड अमेजिंग। वो है ये स्किन ब्राइटनिंग पाउडर ऑर्गेनिक ग्लो का। अच्छा, इस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हल्दी, संदल, ऑरेंज पील, हुस्न यूसुफ, रोज पेटल, कोकोनट पाउडर और भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सब आपकी स्किन को ग्लोई और सारी प्रॉब्लम्स हल करते हैं। और ऑलवेज ऐसे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट देते हैं। एंड अच्छा चले, तो मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ और चले लगा के और रिजल्ट भी दिखाते हैं। चलो अब हम बना के आपको दिखाते हैं ये स्किन ब्राइटनिंग पाउडर विच इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। और मैं आपको दिखाती हूँ बना के, ये देखेंगे पाउडर है। सो ये पाउडर था और मैंने इसका 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। अच्छा, आप बेटर रिजल्ट के लिए एलोवेरा डाल सकते हैं। आई डोंट हैव एलोवेरा तो आई यूज़ वाटर, बट आप एलोवेरा डाल सकते हैं और उसके साथ आप कोई भी सीरम ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा। आई एम यूजिंग दिस ऑर्गेनिक ग्लो का विटामिन सी सीरम। आप लोग फेशियल ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी फेस ऑयल भी ले सकते हैं और ये आप इसके कुछ ड्रॉप्स डाल दें। और अब मैं बस थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ इसमें एंड नाउ विल गिव इट अ गुड मिक्स। सो हियर हमारा फेस रेडी है, तो चलिए फेस पे लगाते हैं इसे। सो हियर आई एम अप्लाइंग दिस मास्क ऑन माय फेस। सो हियर आई हैव वॉश्ड माय फेस, एज यू गाइस कैन सी बहुत साफ हो जाता है ये पाउडर से फेस मेरा। देखिए कैसा ग्लो कर रहा है, इवन दो आई हैव दीज मार्क्स बट अब ग्लो देखें, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। आप लोग मार्क्स देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस, आई लव इट, मस्ट हैव प्रोडक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये विटामिन सी सीरम। आजकल बहुत जरूरी है स्किन के लिए, एक धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन के साथ विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, आपको सन से बचाता है, हाइपरपिगमेंटेशन से बचाता है, स्किन को इवन करता है, आपके पोर्स को टाइटन करता है, स्किन को ब्राइटनिंग करता है, नरिश करता है। और ये बहुत ही कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और स्किन के लिए वैसे विटामिन सी सीरम बहुत ज़रूरी है। सो आई रिकमेंड कि आप लोग जब अपना सनस्क्रीन अप्लाई करें उससे पहले आप ये विटामिन सी सीरम ज़रूर लगाएं, तो ये आपकी सनसे प्रोटेक्शन, या आप जैसे स्टोव के आगे जाते हैं खाना वाना बनाते हैं तो that will help you out as well. तो आप स्किन पे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और ये प्रोटेक्ट करेगा विथ सनस्क्रीन। आई पर्सनली रेकमेंड दिस विटामिन सी सीरम क्योंकि बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऑयली नहीं है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज एफीन सीरम है बाय ऑर्गेनिक ग्लो। अच्छा, ये जो है ये रोल ऑन है जो आप ये देखें, ये रोल ऑन है जो आप मोस्टली अंडर आई के लिए लगाते हैं डार्क सर्कल्स, रिंकल्स और पफी आइज के लिए, पर बिकॉज ये कैफीन सीरम है आप इसे पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं फेस के लिए। इस तरह से आप अच्छे से इसको रोल कर दें तो सीरम भी आपके लगेगा और ये रोल करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रहेगी और आप इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लें इस तरह से। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट टू हैव और सबसे बड़ी बात इट्स ऑल ऑर्गेनिक, तो आई पर्सनली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट्स, लिटरली दे आर वेरी गुड टू हैव एंड ये बहुत अच्छा है डार्क सर्कल्स के लिए। एंड लास्टली वी हैव दिस लिप बाम बाय ऑर्गेनिक ग्लो एंड ये इस तरह से बहुत क्यूट बॉटल है इसकी एंड ये बेसिकली लिप स्क्रब है, तो मैं उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, इट्स वेरी नाइस। मुझे पर्सनली मैंने इसे यूज़ किया है काफ़ी, आई रियली लाइक इट। तो आप ये देख सकते हैं ये एक कुछ इस तरह से है एंड इसे आप फिंगर से लेके, तो ये मैंने फिंगर में लिया है, आपको दिखा देते हैं और अच्छे से थोड़ा ड्रॉप कर लीजिए लिप्स में, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग।
आप देख सकते हैं, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, इट्स वेरी नाइस आइज। मुझे पर्सनली इनके सब प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, कोई प्रोडक्ट में मुझे कोई ऐसा कोई कौन नहीं दिखा, बट आई रियली लाइक देम। और आप लोग उनके पेज जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोग जरूर जाके चेक करें। ऑर्गेनिक रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के लिए बहुत स्किन फ्रेंडली है, तो डू चेक देयर पेज आउट एंड मुझे बताइएगा अगर आप यूज़ करें कि आपको कैसे लगे प्रोडक्ट्स।